वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिक फूड एंड कल्चर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी रेसिपी जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। चलिए तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए है किशमिश, चिरौंजी एंड ग्रेटेड कोकोनट एंड यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड से यूज किए हैं, आप चाहे तो नॉर्मल ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, शुगर, फ्रेश क्रीम और वेजिटेबल ऑयल ब्रेड को फ्राई करने के लिए। चलिए तो इसको बनाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले एक पैन में एक कटोरी शुगर ले लेंगे और उसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर लेंगे। इसको हम शुगर को मेल्ट होने तक पकाएंगे जिससे हमारा शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। इधर इसको इतना पकाना है कि बस ये चिपचिप हो जाए। इधर कढ़ाई में हम ऑयल को गरम करेंगे। यहाँ पे हम चाशनी में लेमन ऐड कर देंगे जिससे ये क्लीन हो जाएगी। और दूसरी साइड पर हमारा ऑयल गरम हो रहा है, तब तक हम ब्रेड्स को यहाँ पे कट कर लेंगे। इसके किनारियों को काट कर इसको ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे ब्रेड कट कर लिए हैं और यहाँ पर हमारी चाशनी भी रेडी हो गई है। इधर मैं ऑयल में ब्रेड को डीप फ्राई करूँगी और ब्राउन होने तक हमें डीप फ्राई करना है। उसके बाद इस तरीके से टिश्यू पेपर पर निकाल लेना है और एक एक करके सारे पीसेस डीप फ्राई करके निकाल लेने हैं। इनको हल्का ब्राउन होने तक सेकेंगे, उसके बाद इस तरीके से चाशनी में आप इनको सोक कर देंगे। थोड़ी देर बाद इनको इसी तरीके से छोड़ देंगे, उसके बाद इस तरह से प्लेट पर निकाल लेंगे जिससे ये इनमें चाशनी अच्छे से सोक हो जाती है और ये अच्छे से मीठे और क्रिस्पी भी बने रहते हैं। इस तरीके से एक एक करके निकाल लिया मैंने और अब मैं इनके ऊपर फ्रेश क्रीम ये स्प्रेड कर दूंगी। सारी ब्रेड्स पर आप इस तरीके से क्रीम को स्प्रेड कर दीजिए सारा। ये देखिए अब इसके ऊपर से थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट स्प्रेड कर देंगे हम। ये देखिए फिर इसके बाद हम इस पर ये चिरौंजी डालेंगे। इस तरीके से मैंने सारे स्लाइसेस के ऊपर चिरौंजी भी स्प्रेड कर दी है, ये देखिए इक्वली। और उसके बाद मैं इसमें किशमिश ऐड करूंगी, ये देखिए किशमिश भी डाल दिए। आप चाहे तो अपनी मर्जी का कोई भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं, इससे इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैं ऊपर से दूसरी स्लाइसेस से इनको कवर कर दूंगी। ये देखिए अब हमारे शाही टोस्ट बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं और कितने ही मीठे हैं, देखकर मुंह में पानी आ रहा है ना। तो एक बार इनको ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।